तो दोस्तों मेरे दीवान में ना सारी चींटियाँ घुस रखी है, और यहाँ चींटियों ने डेरा डाल रखा है झुंड में, और अंडे दे रखी है। इसमें रहती थी मेरे कालीन, और ये खिड़की के रास्ता है ना यहाँ से, तो इसमें सारे झुंड बना के हैं। तो दोस्तों इतना इकट्ठा कर दिया मैंने, इनको फेंकती मैं बाहर, और ऐसे अंडे देते हैं चींटी, तो करती मैं साफ है ना। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो मैं फिर आ चुकी अपने ब्लॉग में, और ब्लॉग स्टार्ट करी 11, सुबह का 11 बज चुकी है, और नाश्ता भी कर लिया हमने। तो नाश्ता करके ना घर का काम निपटा के तैयार हो गई, और आज राखी जा रही उधर अपने घर जा रही, तो राखी को भेजने जा रही मैं, दिखाती मैं है ना। तो ये राखी का बैग तैयार हो गया इधर, और राखी उधर तैयार हो के मोबाइल देख रही, तैयार हो गई हूँ, रेडी हो गई राखी, और बैग भी रख दिया वहाँ पे हैंड बैग। और हिमांशु बाहर निकाल रहा, गाड़ी निकाल दिया हिमांशु ने शायद, हाँ यहाँ पे से बाहर गाड़ी निकाल दिया। तो राखी ने ना एक छोटी सी गाड़ी दूसरी वाली गाड़ी ला रखी है, वो ले जाएगी राखी, ये दिखाती हूँ दोस्तों। दोस्तों ना ये छोटी सी गाड़ी ना, एक गाड़ी की बहन, और इसको राखी अपने पास ले जा रही है, अपने घर ले जा रही है। ये देखो इधर देखो छोटी वाली गाड़ी, ये अभी 15-20 दिन की है, इसको ले जाएगी राखी अपने साथ, क्योंकि राखी को ना वो वाली गौरी पसंद आई, तो हमने दिया नहीं, हिमांशु ने मना करा, तो एक गौरी हमको ढूंढ के फिर मिल गई है ना। हेलो कर, हेलो कर, रुक जाना थोड़ा, पिटने लगा इधर। ये बैग तो पैक करती है, ये गौरी कैसे जाएगी, इतनी से ये हाथ में आ जा रही, थोड़ी छोटी सी है। हिमांशु का देख रहे, हिमांशु बैग में पैक कर दिया, ये ऐसे कर ले जाएंगे आज, थोड़ा मुंडी बाहर निकाल, हाँ थोड़े से मुंडी बाहर निकाल देंगी, या योचा या पेटी होगी, पेटी कार हम पहुंच गए यहाँ पे, हमने गाड़ी खड़ी कर दी और जा रहे ऊपर, यहीं पे ना रिया के घर के आगे ना, कमरे के आगे आम, और इतने पके हैं ना आम, आम का इतना बड़ा पेड़ है, और आम भी पक रखे हैं। अजन ना ये है, पहुंच गई रिया, यहाँ पे कपड़े सुखा रही, और यहाँ से अंदर जाएंगे, तो यहाँ तक पहुँच गई, भाग जाएगी ये झोले में लाए हम, यहाँ तक भाग रही है, ये देख दहेज की बिल्ली। बना रही राखी अंदर पहुँच के ठंडा, और गौरी उधर है आगे पे। ये देखो ये राखी की गाड़ी यहाँ पहुँच गई है ना, गाड़ी यहाँ पहुँच गई, ससुराल पहुँच गई, और हम पी रहे ठंडा, और ठंडा पीने के बाद चलते हैं अपने इधर। अब बाहर इतनी तेज धूप है आज, देखो बहुत तेज धूप, अंदर यार ही धूप। आजा धूल लेने गौरी, चल हम भी चलते हैं, बाय गौरी। ये है इधर का सीन, आज अच्छी सी धूप लगी है, सुंदर आसमान खूब खुला खुला हो रखा है, साफ नीला। ये आगे से आम का पेड़ है, इसमें आम भी लगे हैं, और ये देखो ये शास्त्री नगर नीचे को है, अंदर कॉलोनी जाके शास्त्री नगर।
कितना हुआ टाइम, देर फंस गई, आ गई मैं राखी को छोड़ के, और चाबी है कैश का। माँ इतनी तेज धूप है ना अभी, आज मान से हट, इधर बन गए मेरे भात और इधर बन गई मेरी दाल, और यहाँ पे मैंने इतने कपड़े भी धो दिए हैं, और अब मैं इनको धूप, क्योंकि ना अच्छी सी धूप खिल रखी थी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आके कपड़े धो दिए। डाल दिए धूप में, और आज देहरादून का मौसम बहुत ही साफ है और सुंदर सी धूप खिली है। तो अब जाते हैं नीचे, और बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल से, और करते हैं दिन का लंच, खाना भी बन ही गया है। तो थोड़ा सी धूप में ना ये देखो फूल ऐसे सूख गए ना, हल्के मुरझा गए हैं इतनी धूप लगने में। कल बारिश नहीं आई और परसों बारिश आई थी, धूप नहीं लगी कल, तो अभी इतनी तेज़ धूप लगी है कि फूल भी मुरझाने बैठ गए। धनिया भी डाल दिया है साबुत दाना वाला, और यहाँ पे मिर्ची भी डाल दिया है सुखाने। तो अच्छे से धूप खिली है तो ये धनिया सूख जाएगा, और फिर मिक्सी में पीस लूँगी, मसाला भी ख़त्म हो गया धनिया, तो ये डाल दिया है मैंने, है ना, इतनी तेज़ धूप है। मैं लंच किया, फिर आराम करने के बाद मैं अभी शाम को चाय पानी पी के, जो छत में बताया था मैंने धनिया मिर्च वो पीस रही है ना, ये यहाँ पे ला रखा मैंने धनिया, सूख गया आज अच्छी सी धूप लगी थी तो सूख गया ये। दोस्तों मैंने ये धनिया मिक्स कर लिया है, अच्छे से पाउडर हो गया है ये देखो, और थोड़ा सा बाकी है तो डालूंगी मैं इसमें इकट्ठा कर दूंगी, और अब पीसती हूँ मैं मिर्ची। तो दोस्तों ना मैंने पूरा धनिया भी पीस दिया है, और अच्छे से तैयार हो गया पीस के धनिया, और सब्जी में डेली यूज़ करने के लिए तैयार हो चुका है धनिया, और पीसती हूँ मैं अब मिक्सी में मिर्ची।